हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यूगुडवे। आज दोस्तों 13 जून 2023 और 13 जून 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 13 जून को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूकता करना तथा रंगहीनता से पीड़ित जो भी लोग हैं उनके मानवाधिकारों के बारे में एक जागरूकता वो फैलाना है। और पृथ्वी है तो इस पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रंगों के जो लोग हैं वो रहते हैं। और इनमें से कुछ जो प्राकृतिक रूप से काले या सफेद रंग के होते हैं, तो कुछ व्यक्ति वो शरीर में कुछ विशेष तत्वों की कमी की वजह से भी रंगहीनता के शिकार वो हो जाते हैं। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस वो मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय जो परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। जो अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह है इनको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और जो एनटीए है तो एनटीए का जो एनटीए तो इसका महानिदेशक है वो सुबोध कुमार सिंह है इनको नियुक्त किया गया। और जो ये अग्रवाल है अमित अग्रवाल ये 1993 बैच के और जो सुबोध कुमार सिंह है ये 1997 बैच के जो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके अतिरिक्त सचिव अग्रवाल को भारत सरकार के जो अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो नियुक्त तो किया गया है। अब हाल ही में किसकी नियुक्ति हो कहाँ की गई उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अश्विनी कुमार है इनकी यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्ति की गई है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीवीसी के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण की है। और अजय यादव है इन्होंने एसईसीआई के एमडी के रूप में कार्यभार वो संभाला है। और जी कृष्ण कुमार है इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और LIC ने जो तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया MDO नियुक्त किया है। भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और RBI ने JP Morgan चेस के नए CEO के रूप में जो प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और शीनू जावर है वो TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर जो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च है माहिर इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। जो ऊर्जा मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन्होंने संयुक्त रूप से जो बिजली के क्षेत्र में उभरती जो प्रौद्योगिकी है उनकी पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर जो तैनाती के लिए एक स्वदेशी रूप से जो विकसित करने के लिए जो माहिर है इसको लॉन्च किया। और इस मिशन का उद्देश्य है कि जो बिजली के क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी की जो स्वदेशी अनुसंधान विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक वो बनाना है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में उभरती जो प्रौद्योगिकी है और भविष्य के महत्व वाले जो क्षेत्रों की पहचान करना और देश के भीतर जो प्रासंगिक प्रौद्योगिकी है उसका पूर्ण विकास करना है। और बिजली के क्षेत्र में हितधारकों के सहयोग और सामूहिक रूप से विचार उन पर विचार करने के लिए इनका एक साझा मंच स्थापना करना है। और सहक्रियाशील प्रौद्योगिकी का विकास करना है और सुचारू प्रौद्योगिकी जो हस्तांतरण के लिए एक मार्ग वो बनाना है। और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो सहयोग है उनके माध्यम से उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उनके अनुसंधान और विकास में तेजी लाने और विशेषज्ञता क्षमता और उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उन तक पहुंच बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ और साझेदारी का उपयोग करना है। और इसमें जो ज्ञान के आदान प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भी सुविधा होगी। और हमारे देश में जो बिजली व्यवस्था से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उनमें अनुप्रयोग के विकास में अग्रणी देशों में से एक के रूप में स्थापित करने का प्रयास है वो भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
2021 से लेके 2025 तक जो कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना है इसका परिव्यय है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 2980 करोड़ रुपए है। जो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, इन्होंने हाल ही में जो कोयला और जो लिग्नाइट है इसकी खोज योजना को जारी रखने की एक मंजूरी प्रदान की है और 2980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो जो 2021 से लेकर 2025 से लेकर 2025-26 है उस तक ये लागू की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की पहली लिथियम ऑयल तेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री और टाटा ग्रुप के द्वारा कहां स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। जो भारत के दिग्गज कारोबारी है समूह है टाटा ग्रुप, इन्होंने गुजरात में जो लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया और टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात में बनाया जाने वाला ये प्लांट है ये भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। और टाटा ग्रुप है ये शुरुआत में इस प्लांट पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश हो या इन्वेस्ट हो करने जा रहा है और इस प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट होगी और इसके द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने की भी आशंका बताई गई है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला वो डांग है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में लोथल बंदरगाह है और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी और गुजरात राज्य का राजकीय वृक्ष है आम का और गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो और गुजरात राज्य का राजकीय पुष्प है मेरी गोल्ड। गुजरात राज्य का जो राजकीय पशु है वो ऐसे ही सिंह है बब्बर शेर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी को कहा जाता है और गुजरात राज्य के जो भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप है 26 जनवरी 2001 को आया था और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम लैब जो डिजाइन लैब है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अब गुजरात राज्य तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और गुजरात की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भी है और गुजरात के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसरो ने किस देश के साथ एक अंतरिक्ष यान मिशन संचालन है उस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये इटली के साथ में। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इन्होंने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी है और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है इनके साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिलकर जो अंतरिक्ष यान मिशन संचालन है SMOPS 2023 इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं इसरो से संबंधित उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि इसरो की स्थापना ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी और ये भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट वो लॉन्च किया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष है एम सोमनाथ। अब इटली है तो इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और ये भूमध्य सागर में स्थित एक देश है और इसके पड़ोसी देश हैं जैसे फ्रांस है ऑस्ट्रिया है स्लोवेनिया है वेटिकन सिटी है ये इसके पड़ोसी देश है और इटली की जो राजधानी है वो रोम है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में जो शीर्ष रैंकिंग है वो हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये केरल राज्य। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है इसके अवसर पर जो 5वां जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी किया गया और इसने जो खाद्य सुरक्षा के जो 6 अलग अलग पहलुओं में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रदर्शन का एक मूल्यांकन किया है जिसमें बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग वो हासिल की है और इसके बाद पंजाब तमिलनाडु का स्थान रहा और इस छोटे राज्यों में जो गोवा वो अग्रणी राज्य में रूप में उभरा है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखे तो जम्मू और कश्मीर दिल्ली चंडीगढ़ है वो अपनी पहली 3 रैंकिंग है वो हासिल की है।
केरल राज्य, तो केरल राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और केरल के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, और केरल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और केरल में टोटल जिले हैं 14, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पीटर एल्बर्स को चुना गया है, जो इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स, इनको इंटरनेशनल एयर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है IATA इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, और वो जून 2024 से इससे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस BICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम है वो कौन बनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये ऑस्ट्रेलिया बनी है, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है इन्होंने WTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब है वो अपने नाम किया, और ऑस्ट्रिया है तो इन्होंने खेल के 5वें दिन में भारत को 209 रनों से हराकर ये खिताब है वो अपने नाम किया, और ऑस्ट्रेलिया इसकी टीम में वो सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन चुकी है, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब वो ट्रेविस हेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब है वो अपने नाम किया, और उनका ये जो 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था, और नोवाक जोकोविच है इन्होंने 23वें ग्रैंड स्लैम के साथ राफेल नडाल के जो 22 और रोजर फेडरर के जो 20 खिताब से भी आगे वो निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हो किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये वाराणसी में आयोजित हो किया जा रहा है, जो वाराणसी में G20 मंत्रियों का विकास मंत्रियों का जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और इस बैठक में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया है, और भारत ने जो विकास लगातार जो विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य की अपनी योजना की भी घोषणा वो इसमें की है, और G20 कार्यों के लिए एक भारत वो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कि भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप के द्वारा कहां स्थापित की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये रामचंद्र मूर्ति कोंडू बाटला के द्वारा लिखी गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।